हेलो, मैं नाम है दीपक। आप देख रहे हैं काबुम टेचर्स। आज मैं बताऊंगा 3D मैक्स के अंदर हम लोग फ्रॉस्टेड ग्लास या फिर इस तरह के फिल्म्स कैसे बना सकते हैं, ग्लास के ऊपर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ग्लास के ऊपर हम लोग ग्लास के फिल्म्स कैसे बना सकते हैं। ओके, उसके लिए सबसे पहले तो 3D मैक्स में मैंने इधर पे छोटा सा एक सेटअप तैयार कर लिया हूँ, जिसे आप देख सकोगे इसमें। ओके, तो यहाँ पर मैंने ग्लास सिंपल सा ग्लास मैंने तैयार कर लिया है। इसको मैं आपको बताऊंगा किस तरह से फ्रॉस्टेड ग्लास इसको बनाया जाएगा और किस तरह से इसको फिल्म डाली जाएगी। ओके, फिल्म के लिए अगर इसको मुझे फ्रॉस्टेड बनाना था, फ्रॉस्टेड के लिए इसी स्टेप तो एक ही है कि या फिर आप रिफ्लेक्शन को कम कर दें। सॉरी, ये चीज नहीं है, यहाँ पर है। ओके, आप रिफ्रैक्शन को कम करते हैं, रिफ्रैक्शन को कम कर देंगे तो या फिर थोड़ी सी कुछ ज्यादा हो गया है, थोड़ा और। ये थोड़ा सा फ्रॉस्टेड जैसा हो जाएगा। ओके, या फिर कोई कोई करता है कि थोड़ा सा नॉइजी करने के लिए थोड़ा सा ग्लॉसिनेस, जो ये चीज है उसको कम कर देंगे तो इससे हो जाए, मगर उसमें क्या है, थोड़ा सा रेंडर में टाइम जाएगा। ये फिलहाल मेरा मैं ग्राफिक कार्ड से इसको रेंडर कर रहा हूँ डायरेक्टली, ग्राफिक इसलिए थोड़ा फास्ट हो रहा है। ओके, अभी अगर मुझे इसको इसके बाद फिल्म डालनी है फिलहाल, जैसे इस तरह की फिल्म, जैसे कि इस तरह की या फिर इस तरह की। ओके, ये ग्लास जैसे ट्रांसपेरेंट दिखे और फिल्म थोड़ा कवर हो जाए ताकि पीछे का पार्ट ना दिख पाए, तो उस थोड़ा डिजाइन टाइप के लिए क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मुझे फिल्म डालनी है। तो मैं सिंपली छोटा सा डिजाइन बनाऊंगा, इसको बंद करते हैं। मैं ग्राफिक कार्ड ओके, पेंट पे जाता है। जैसे मुझे कुछ किसी तरह के डिजाइन वाली फिल्म चाहिए तो मैं एक सिंपल सा डिजाइन बना देता हूँ। डिजाइन ध्यान रखना है कि डिजाइन आपका ब्लैक एंड व्हाइट में ही हो। इसको हम लोग फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, फिलहाल तो पेंट ब्रश यूज कर रहा हूँ, या फिर जिसको फोटोशॉप ना आता हो वो इसमें कर सकता है इसलिए, या फिर आप इमेज निकाल सकते हो अगर आपके पास नेट है, वेबसाइट्स है तो वहाँ से आप निकाल सकते हो इमेजेस, गूगल पे जाके ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस निकाल सकते हो डिज़ाइन के, वो यूज़ कर सकते हो। मैं फिलहाल तो आपको बना के दिखा दे रहा हूँ किस तरह से हम लोग थोड़ा सा कहीं कहीं डार्क ब्लैक कर देते हैं ताकि कुछ कुछ पार्ट में हमें ट्रांसपेरेंट नजर आए। ओके, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे मुझे डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव करता हूँ या फिर मैं इसे सेव कर देता हूँ अपना डॉक्यूमेंट बाहर सेव करता हूँ, जेपैक अल्फा के नाम से। ओके, सेव कर दिया। ओके, मैं इसको डाल रहा हूँ इसमें, मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है तो एक इसके लिए मुझे मटेरियल लेना पड़ेगा।
तो आप ब्लेंड मटेरियल ले सकते हो। और उसके लिए सबसे पहले मेरे को उसको सिलेक्शन देना पड़ेगा, विदाउट सिलेक्शन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मैं इसके ऊपर डायरेक्टली ही अप्लाई कर सकता हूँ फिल्म के लिए, ओपेसिटी में जाके। डॉक्यूमेंट अल्फा, ओके, यूपीडब्ल्यू मैप कर देता है ताकि पता चले कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। तो अभी इसको जरा हम लोग चेक करते हैं। आपको यहाँ दिखेगा हल्का सा फिल्म तैयार हो गया है इसके ऊपर। ये देखिए, जो ब्लैक कलर था उसके आर पार दिख रहा है। मगर मैं इसको अरेंज करने के लिए मेरे को उसके लिए बार बार इसको चेंज करके, अगर मुझे इसके सेटिंग में चेंजेस करने हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा वो फैल रहा है, साइज में थोड़ा पतला चाहिए मुझे, तो इसके लिए यहाँ से मैं उसके यहाँ से यूपी में चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा है कि वो दिखने में इसमें नजर आया, मगर इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, बार बार ऊपर भी कॉपी हो जा रहा है, नीचे भी कॉपी हो जा रहा है। उसके लिए मुझे सेलेक्ट करना था, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इतने एरिया पे इफेक्ट करे उसके लिए कर सकते हैं। ओके, मैंने ना मैंने ले लिया, मैं इसको तो मैं इतना पार्ट अलग कर देता हूँ जितना मेरे को सिर्फ इतने में चाहिए, इतने ही लाइंस में चाहिए, तो उसको मैं अलग से डिटैच करके निकाल लेता हूँ। ओके, हाँ, फिर मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है इस पे बाकी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक में से मैं इसको निकाल देता हूँ। जिसमें निकल गया है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, दोनों के ऊपर। ओके, इसके ऊपर निकल गया है। ओके, और ये जो है इसके ऊपर हम लोग मैप से प्रॉपर एक बार चेक करता है, सूम में लेके जाता है। ये तो हुआ, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग पास एक और आइडिया है कि एक और हम लोग कर सकते हैं। एक आइडिया एक और बताता हूँ मैं किस तरह से कुछ हम लोग कर लेता हूँ, या फिर अगर ये क्लियर ग्लास है। ओके,
जैसे कि अगर ये मेरे पास क्लियर ग्लास है, क्लियर कर दिया, ठीक है। भाई मेरे को कुछ फिल्म का डिज़ाइन, अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही फिल्म्स है, ओके, उसको मैं अलग से मैं स्टूप कर लेता हूँ। इस तरह से तो मेरे को सिर्फ नहीं, मेकिंग फिल्म हम लोग जब रियल लाइफ में अगर देखें तो फिल्म हम लोग ऊपर से एक ग्लास के एक ही साइड पे चिपका रहता है फिल्म्स, ओके, और पीछे के साइड पे अंदर की साइड में नहीं रहता। अगर ऊपर से इस साइड से लगाया तो अंदर क्यों लगाएंगे, ओके। तो लगा तो लगा सकते हैं, एक ही साइड बहुत काफी होता है। ध्यान से फिल्म लगाना है, थोड़ा सा गैप हल्का फुल्का अगर छूट भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप रहेगा तो चलेगा क्योंकि उतना 3D में नजर नहीं आता है। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर ये मटेरियल अप्लाई कर रहा हूँ अपना, दिस एक फिल्म, ये मेरा फिल्म्स है, जो मैंने अप्लाई किया उसको मैंने UVW मैप कर दिया, ओके। अभी मैं इसको रेंडर करूँगा, अभी क्या ये भी फ्रॉस्टेड हो, दोनों फ्रॉस्टेड हो रहे हैं, तो एक को मैं क्लियर कर देता हूँ, यानी कि ग्लास क्लियर रहेगा और ये मेरा फ्रॉस्टेड पार्ट है। तो फिर इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके जो फ्रॉस्टेड मैंने किया था इसको ग्लास को, इसको क्लियर कर दिया, ये तो क्लियर हो गया, ओके, और सेव, अप्लाई कर दिया इस पर एंड फ्रेंड। ज़्यादा नॉइज हो रहा है, एक मिनट, इसकी RT को मैं बंद कर देता हूँ, RT नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट रेंडर चाहिए, RT बंद करके, ओके, प्रोडक्ट टू रेंडर, ओके। क्वालिटी
टास्क करने में काफी टाइम जाता है। फिलहाल देखना नॉइज़ इसलिए क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सेटिंग थोड़ा कम किया उसका सब रीजन का, इसकी वजह से काफ़ी नॉइज़ी आ रहा है। ताकि फटाफट रेंडर हो जाए आपको पता चल जाए कि फ्रॉस्टेड ग्लास फ्रॉस्टेड हो चुका है, फ्रॉस्टेड और इस पर फिल्म लग चुकी है। ओके ओके अभी ये रेंडर हो गया है। इधर पे आप देख सकते हो थोड़ा नॉइसी है क्योंकि मैंने थोड़ा फटाफट होने के लिए थोड़ा सेटिंग कम किया। ओके तो रेंडर में काफ़ी टाइम चलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये फिलहाल फिल्म इसके ऊपर लग चुकी है। इसके आज आज पार्ट दिख रहा है ये वाला पार्ट। इधर पे जो भी ब्लैक एरिया था मेरे पेंट ब्रश में जिस तरह से था, इधर पे ये ब्लैक था तो इसके आर पार नजर आ रहा है, इसके आर पार नजर आ रहा है। ओके ओके ठीक है। आगे के और वीडियो देखने के लिए, इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल काबूम पैचेस को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।